मुझे मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद का ध्यान कम और मेरा ध्यान ज्यादा रखते हैं। कठिन रास्तों से घबराएं नहीं, क्योंकि कठिन रास्ते ही एक खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले दो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो आप हमारे सबसे पहले। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, आज हम एक बहुत अच्छा दीवान बेड बना रहे हैं, जो कि आज हमने अभी शुरू कर दिया है। दोस्तों बोर्ड हमने ले लिए हैं और ये छोटा सा दीवान बेड हम बनाने जा रहे हैं 4x6 का। तो बोर्ड हमने चीर दिया है और इसका ढांचा ठोकने जा रहे हैं। तो दोस्तों दो साइड हमने ठोक लिया है, तीसरी साइड अब मैं ठोकने जा रहा हूँ, जो कि अभी आपके सामने बहुत ही अच्छा दीवान बेड बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को चलते चलते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे दो काम चल रहे हैं, एक गोविंदगढ़ और हमारे गांव मजीदपुर कटियन वाली में, और ये तीसरा जो दीवान बेड है ये किसी हमारे गाँव के भाई का है, जो कि मैं सुबह शाम बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपके सामने बहुत ही अच्छा दीवान बेड बनने जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो ज़रूर देखें और जैसे जैसे बेड बनाना है एक एक पॉइंट नोट करें, ताकि आप ही अपने घर पर बेड बनवाएं तो बहुत ही सुंदर बेड आपके सामने बनने जा रहा है। ये देखो मैंने दो साइड ठोक लिया और ये तीसरी साइड है जो कि आपके सामने अभी मैं ठोकने जा रहा हूँ, जो कि आपके सामने दीवान बेड का जो ढांचा होता है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो तीसरी साइड हमने ठोक ली और ये चौथी साइड है, जो कि ये देखो आपके सामने दीवान 6x4 का जो क्रेट है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखो ये नीचे वाली जो प्लाई होती है, जो बोर्ड नीचे लगता है जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, ये नीचे वाला बोर्ड हमने तैयार कर लिया है, जो कि अभी इसको पक्का कर देंगे। तो दोस्तों अभी इसको देखो फेविकॉल लगा लिया है हमने और ये नीचे की तरफ हम ठोक रहे हैं। तो यहाँ पे 1.25 इंच का जो बोर्ड है अभी हमें किलों से इसको पक्का कर देते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपने हमारी सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसी वीडियो का भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करोगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पर स्टाइलर विजितपुरिया देसी ब्लॉग। तो दोस्तों ये देखो अभी हमने प्लाई ठोक दी है और अभी इसको हम गुनिए में कर रहे हैं, जो कि अभी आपके सामने है। ये नीचे वाला बेड का जो ढांचा है, ये देखो ऊपर की तरफ हमने दो साइड से इसको 1 फुट तक बंद कर दिया है और इसका जो बीच में गेट है वो लंबा रख दिया है, ताकि जो सामान रखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे इतना बड़ा पल्ला लग जाएगा और उधर साइड कब्जे लग जाएंगे। तो ये देखो हमने क्रेट तैयार कर ली है दीवान बेड की, जो 6x4 का है। ये देखो हमने ढक्कन भी ऊपर लगा दिया है, बीच में एक स्पोर्ट दे के, हैवी लकड़ी की स्पोर्ट दे के हमने ये बीच में स्पोर्ट लगा दी है। और ये देखो अभी हम सनमाइका शुरू करेंगे। ये देखो कॉफ़ी कलर की रेसे वाली सनमाइका है, बहुत ही सुंदर सनमाइका है। ये देखो हमने सनमाइका लगा भी दी, क्योंकि हमने ये शॉर्ट वीडियो आपको थोड़ी सी कंप्रेस करके दिखा दी है, सनमाइका लगा दी है। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही सुंदर दीवान आपको नज़र आ रहा है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये देखो अभी इसको चिपका दिया है, चारों पासे टेपें लगी हुई हैं वाइट वाइट, और ये हम सुबह तक उतारते हैं, जो कि यहाँ से सनमाइका बहुत अच्छी तरह से प्रेच हो जाती है सुबह तक। तो ये देखो हमने सुबह इस बेड को तैयार कर दिया है। ये देखो ये चांपू से आपको इसको खोल के दिखाएंगे। ये देखो बहुत ही सुंदर बना है दीवान, इसके अंदर स्पोटे स्पोटे बहुत अच्छी तरह से लगाई है हमने, और ये देखो इधर भी हमने बहुत अच्छी स्पोटे लगाई हैं, और ये बड़ा सारा पल्ला जिसके अंदर से बहुत ही अच्छी तरह सामान निकल जाता है। ये देखो इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों इस तरह का बेड या कुछ भी अपने घर में वुड वर्क करवाने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, स्टाइल विजितपुरिया देसी ब्लॉग। तो दोस्तों इंस्टा भी आप हमें फॉलो कर दीजिए और आप हमें DM भी कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि वहां से हमें कॉल करके आप आउटडोर अपने घर पर करवा सकते हो। दोस्तों फर्नीचर लाइन का कोई भी वर्क हो, बहुत ही सुंदर और फैंसी तरीके से हम करते हैं लेटेस्ट वर्क। तो दोस्तों ये देखो अभी ये कंप्लीट हो गया है और आप हम इसको चेक करवा देते हैं। ये देखो ये डोर बहुत बड़ा है, जो कि 4 फुट का है, पूरा
अलमारी जितना सामान इस दीवान के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वुडवर्क और व्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको अपने ये वीडियो दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम अपने घर पर करवाएं।